नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चेकअप न्यूज में। दोस्तों, इसरो का चंद्रयान 2 मिशन भले ही उम्मीद के मुताबिक पूरा ना हो सका हो, लेकिन अब अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने भी इसरो की तारीफ की है। नासा ने इसरो के एक ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए लिखा है, अंतरिक्ष कठिन है, हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसरो के चंद्रयान 2 मिशन को उतारने के प्रयास की सराहना करते हैं, आपने हमें अपनी यात्रा से प्रेरित किया है। दोस्तों को बता दें कि नासा से पहले पाकिस्तान की पहली एस्ट्रोनॉट नमीरा सलीम भी इसरो के इस ऐतिहासिक कोशिश की सराहना कर चुकी हैं। उन्होंने कहा था, चंद्रयान 2 मिशन दक्षिण एशिया के लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में लंबी छलांग है। ये सिर्फ दक्षिण एशिया के लिए नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री के लिए गर्व का विषय है। मैं चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की चांद के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग की ऐतिहासिक कोशिश के लिए इसरो और भारत को बधाई देती हूँ। दोस्तों, इस दौरान पाकिस्तान की नमीरा सलीम ने ये भी कहा, दक्षिण एशिया में अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धि अद्भुत है। यहाँ ये मायने नहीं रखता है कि इसमें कौन सा देश नेतृत्व कर रहा है। अंतरिक्ष में सभी राजनीतिक सीमाएं खत्म हो जाती हैं। जो हमको धरती पर बांटता है उसको पीछे करके अंतरिक्ष हमको एकजुट करता है। दोस्तों को बता दें कि नमीरा सलीम पाकिस्तान की पहली एस्ट्रोनॉट हैं, जो रिचर्ड ब्रेंसन वर्जिन गैलेक्टिक के साथ अंतरिक्ष जाएंगी। रिचर्ड ब्रेंसन वर्जिन गैलेक्टिक दुनिया की पहली कॉमर्शियल स्पेस लाइन है। दोस्तों को बता दें कि नमीरा सलीम स्पेस डिप्लोमेसी को लेकर बेहद मुखर रहती हैं। वो धरती में शांति के लिए अंतरिक्ष में नया मोर्चा बनाने की वकालत करती हैं। नमीरा सलीम पहली पाकिस्तानी है जिन्होंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल पहुंचने का कीर्तिमान हासिल किया है। दोस्तों को पता होगा कि इसरो का चंद्रयान 2 मिशन चांद की सतह से महज 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपना रास्ता भटक गया था, जिसके बाद उसका इसरो से कांटेक्ट खत्म हो गया था। हालांकि इसरो का कहना है कि ऑर्बिटर अभी भी वहां पर है और वो लगातार 10 सालों तक चांद की तस्वीरें जो है हमें भेजता रहेगा। दोस्तों, ये तो बात हुई नमीरा सलीम की, लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान के साइंस मिनिस्टर, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि देश में साइंस जो है वो डेवलप करे, उन्होंने भारत के चंद्रयान 2 के मिशन के फेलियर को लेकर तुरंत एक कमेंट किया था, जिसमें उन्होंने भारत का मजाक बनाया था। उनके इस मजाक बनाने के बाद पाकिस्तान के ही तमाम युवाओं ने उनकी खिंचाई की और उनसे सवाल किया कि बतौर पाकिस्तानी हम कहाँ हैं, ये सोचने की बात है, जबकि भारत अंतरिक्ष में नए नए आयाम गढ़ रहा है। ऐसे में नमीरा सलीम का भारत को लेकर दिया गया ये बयान एक नए पाकिस्तान की झलक दिखाता है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखें। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।